नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो आज हमारे साथ मुंबई से वृंदा मिलर जी हैं। वृंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई, कला के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, तो उस विषय में आप दर्शकों से जरूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ मुंबई की, यहाँ ही पैदा, बहुत ही, और ये पता है कि आप बहुत ही, तो मैं घर में कोई, तो मैं पेरेंट्स स्कूल हो गया, और जब मैं स्कूल से पास हो गई उस टाइम पे आर्ट को मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले थे, और मैं सोची चलो कुछ करते हैं आर्ट में, और उस वजह से मेरे पेरेंट्स तो बोले थे कि हाँ करो आपको जो करना है, तो अच्छा था, सब फॉरवर्ड थिंकिंग थे उस टाइम पे। आर्ट वॉज नॉट अ करियर, सब सोचते थे कि नहीं बीए करो बीएससी करो, बट मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट मिला, तो उस वजह से मैं मैंने स्कूल से मैंने वो सब एग्ज़ाम करी और पास हो गई, और फिर जेजे में मुझे एडमिशन मिल गया। उसके बाद जब वो ऑप्शन हुआ कि ये कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस टाइम पे मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन लिया था, तो जेजे से मैंने टेक्सटाइल किया, और नो रिग्रेट्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो करके, और आज उसी का इन्फ्लुएंस है थोड़ा मेरे काम में। एंड फिर थोड़े साल के बाद मैंने एक दो एग्जिबिशन भी किए थोड़े साल के बाद, हाँ एक्चुअली मेरा जॉब था टेक्सटाइल मिल में, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, और जब पेंटिंग मेरा अच्छा अप्रिशिएट हुआ उस टाइम पे, फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ और करते हैं, क्योंकि मेरा टेक्सटाइल का बैकग्राउंड था, थोड़ा ड्राइंग और पेंटिंग में ज़्यादा वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, तो मैं गई न्यूयॉर्क गई, और वहाँ पे पार्सन स्कूल में मैंने पेंटिंग और ड्राइंग और पेंटिंग किया वहाँ से, और फिर उसके बाद तो सब चेंज हो गया मेरे लिए, और मेरी स्टाइल चेंज हुई, मेरा थिंकिंग चेंज हो गया, क्योंकि टीचिंग वहाँ अलग था, और जेजे में भी बहुत मुझे अच्छा लगा, पर अभी मैं हूँ यहाँ, कुछ और भी कर रही हूँ, और वही कुछ कर, तो जी, तो हम एक चीज जानना चाहेंगे, कोई ऐसे शिक्षक जो आपके स्कूल में या कॉलेज में या आप वहां जब पढ़ के आई, उन्होंने आपको कैसे इनकरेज किया कि और आप इन चीजों में, ऐसे तो ऐसे शुरू से होता है ना कोई एक सपोर्ट होता है जो स्कूल में सर लोग बोलते हैं तुम इसी फील्ड में जाना, तुम ये कर सकते हो, ऐसा कोई जिनका आप नाम लेना चाहें? तो सपोर्ट तो हमेशा मुझे था, क्योंकि मैं एक थोड़े वैसे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ही ओपन माइंडेड थे, स्कूल में टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, स्पेशली आर्ट टीचर तो बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक एजुकेशन में यही एक इम्पोर्टेंस है कि टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, और बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा वो है, उस वजह से तो मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन में थोड़ी कमी है वैसे, पर अगर स्कूल में ही थोड़ा इंकरेजमेंट हो, अच्छी टीचिंग हो, अच्छे टीचर्स हो, तो
उस वजह से ही हम आर्टिस्ट बनते हैं। और उसके बाद तो मुझे तो फ्रीडम था, क्योंकि मैं उस टाइप की के परिवार से हूँ कि मुझे बहुत ही इनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन तो बहुत ही था। और मैं जब छोटी थी तब से मुझे, मैं आर्ट गैलरी में जाती थी मेरे पेरेंट्स के साथ, और सब देखा हुआ था। म्यूजियम में जाती थी, हम बाहर जाते थे, तभी हमें एक्सपोजर बहुत मिलता था। तो एक्सपोजर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए तो उस वजह से ही आई थिंक आई एम व्हाट आई एम, बिकॉज ट्रैवलिंग भी बहुत किया हुआ है और सब कुछ देखा हुआ है, तो ऐसे अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अप टू अस, हम खुद ऐसे सोचेंगे कि चलो हम करेंगे ये करेंगे तो हो जाता है। आई थिंक यू हैव टू ड्रीम कि हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, तो हो जाता है ऐसे। यू हैव टू बी एम्बिशियस एंड स्ट्राइव कि हमें ये करना है, तो ही होता है। बिल्कुल, पैशन को मतलब जैसे हॉबी को अगर हम प्रोफेशन बना ले तो बहुत वाकई उसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे हम एक चीज जानना चाहेंगे कि एक काम करते हैं, हम आपके काम के स्लाइड्स के साथ है ना हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो वो ज्यादा ये होगा। और उसमें मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे मैं कल देख रहा था, तो क्या आप शुरू में जब आप कॉलेज में थी तो आप फिगरेटिव वर्क करती थी या आपने डायरेक्ट मतलब अमूर्तन से शुरू किया? हाँ, तो आजकल सब सोचते सीधा एब्स्ट्रैक्ट करें, कॉलेज से निकलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। पर आई थिंक बेसिक रीजन फॉर एब्स्ट्रैक्शन ओनली कम्स कि पहले बाकी सब करो। तो जब मैं पहले पहले मैंने लैंडस्केप काइंड ऑफ वर्क किया था पहले ही, क्यों मुझे लैंडस्केप नेचर बहुत ही शौक था ये सब करने में। तो जब पेंटिंग शुरू किया तो लैंडस्केप किया, थोड़ा टेक्सटाइल का इन्फ्लुएंस था। अब आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं वो नया है वैसे, और ये है कारपेट है एक्चुअली ऑफ माय वर्क, तो बहुत ही सूट होता है। वैसे मेरा काम है ही एब्स्ट्रैक्ट अभी, पर उस टाइम पे मैं रियलिस्टिक काम करती थी। फिर जब मैं न्यूयॉर्क गई तो उसके बाद थोड़ा फिगरेटिव काम भी आ गया उसमें, और वो भी अच्छा लगा क्योंकि एज आई सेड न्यूयॉर्क में है ना, इतना फ्रीडम था मुझे काम करने के लिए। जे जे में बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिला, पर जे जे में बहुत ही टेक्निकल ट्रेनिंग मिला। अच्छा, वैसे मैं देखती हूँ कि आजकल आर्टिस्ट को अपने काम के बारे में बात करने की एक्चुअली इम्पोर्टेंस बहुत है, थोड़ा आर्टिकुलेट होना बहुत ही जरूरी है। पर उस टाइम पे ऐसे नहीं था, और हम सब आर्टिस्ट ऐसे ही पेंट करके डिस्प्ले करते थे हमारा काम। तो अभी एब्स्ट्रैक्ट काम ऐसी चीज है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन लोगों को चाहिए। तो जब मैं न्यूयॉर्क गई तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सीख लिया कि कैसे बात करना, कैसे एक्सप्लेन करना। और आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि एवरीथिंग इज सो एब्स्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग दैट यू नो, सब कुछ थोड़ा वैसे रियलिस्टिक नहीं है। एंड आई थिंक ये कोविड के टाइम में तो और भी सब अलग अलग हो गया। अभी तो NFT आ गया और क्या क्या आ गया है, तो हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। तो यू हैव टू मूव विद द टाइम्स, एंड मैं ये सब चीज़ के बारे में मैं अभी भी मुझे और जानना है, तो आई वुड से आई एम स्टिल लर्निंग, अभी भी मैं सीख रही हूँ वैसे। बिल्कुल, ये निफ्ट तो जो NFT है और ये क्रिप्टो वगैरह ये सारी चीजें बहुत नई है, मतलब हम लोगों के लिए बहुत नई है बट फॉरेन में मेरे ख्याल से बहुत समय पहले से है। और ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से आने वाले समय में, अगर आपको फील्ड में एक जो नए लोग हैं उन लोगों को अगर वाकई इंट्रोड्यूस होना है तो बहुत जरूरी है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की
की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जैसे आप बोल रहे थे एक लैंडस्केप का इम्प्रेशन है, वो शायद इस कामों में दिख रहा है। तो बेसिकली आप किस थॉट को लेकर काम पे वर्कआउट करती हैं? तो वैसे एक्चुअली मेरे फैमिली में तीन आर्किटेक्ट है, मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट है, मेरी दो बेटियां आर्किटेक्ट है, तो थोड़ा आर्किटेक्चरल भी आ जाता है। और मेरा लास्ट एग्जीबिशन था, उसका नाम था वैनिशिंग पॉइंट, तो वो है आर्किटेक्चरल टर्म। अभी आप देख रहे हैं इसमें भी थोड़ा कुछ है आर्किटेक्चरल है, वैसे इट्स अ डोर, फिर पीछे थोड़ा नेचर है। दिस इज़ अ पेपर वर्क, तो मैं पेपर पे भी बहुत काम करती हूँ, और इतना बड़ा भी नहीं है, यहाँ दिख रहा है बड़ा पर है छोटा सा। और आप देखेंगे आगे कि दूसरे भी ऐसे पेपर वर्क है आप तो, हाँ ये भी है देखो। और दूसरी बात क्या है, थोड़ा टेक्सचर ज़्यादा है सब काम में, क्योंकि अगेन मेरी लाइफ ही है ऐसी, टेक्सचर्ड है थोड़ी, एंड बहुत ही अलग अलग टाइप का मैं मीडियम यूज़ करती हूँ, जैसे पेपर चिपकाती हूँ या कोलाज वर्क करती हूँ, और टेक्सटाइल का भी इन्फ्लुएंस है। तो जैसे मैंने कहा मेरी लाइफ ही ऐसी है, अगर मैं खाना भी पकाऊँ तो अलग अलग चीज़ डालती हूँ, कोई रेसिपी नहीं फॉलो करती हूँ, पर हो जाता है दी एंड, वो इंस्टिंक्टिवली कुछ आ जाता है उसमें इम्पल्सिवली, ये भी पेपर वर्क है एक। आगे वाला दिखा ये इसमें लेयर्स का बहुत, मेरे ख्याल से एक लेयर बाय लेयर बहुत ज्यादा महत्व है लेयर्स का। विपिता जी आपको हेलो बोल रही हैं। जी ये किस समय के काम है मैम? ये वैसे नए काम है, बहुत पुराने, अभी फिनिश कंप्लीट हुए हैं, और अगेन का थोड़ा है इन्फ्लुएंस, थोड़ा टेक्सटाइल का इन्फ्लुएंस है, थोड़ा मिक्स मीडिया का है, लेयर्स है, और वैसे छोटे काम। एक चीज मुझे पूछना था, जैसे हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट हर काम के पीछे जरूरी है, पर कई बार ऐसा होता है अमूर्तन में जब हम काम को एंजॉय करते हैं तो उसमें हम फिर कॉन्सेप्ट को नहीं ये करने जाते, तो ये कितना जरूरी है? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स लोगों पूछते हैं कि सर हम अमूर्तन कर रहे हैं, उसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, तो एक विचार कितना जरूरी है काम के पीछे का? आई थिंक पहले पहले विचार मतलब जब हम स्टूडेंट रहते थे तो विचार तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो होना ही चाहिए कि कैसे हम आ गए ये स्टेज पे। बहुत लोग पूछते कि अरे आप इतने इतना जल्दी से कर लिया काम, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये नहीं हुआ कि द वर्क इज़ नॉट गुड, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आई शुड चार्ज लेस, दीज थिंग्स आर नॉट, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। पर हाँ, मैं ये स्टेज पे पहुंची हूँ कि मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है मेरे काम के बारे में, और इंस्टिंक्ट ज़्यादा यूज़ करना है और इन्जॉय ज़्यादा यूज़ करना है, मुझे कुछ भी प्रूव नहीं करना। हम अभी क्या करें, तो उस टाइम बहुत सोच बहुत ज़रूरत है, और थोड़ा डायरेक्शन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। और अभी भी लोग पूछेंगे मुझे कि आपका सोलो, नेक्स्ट सोलो कभी है, तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ। और क्योंकि अभी मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ कि मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, अभी ये सब ये जैसे ये काम है एंजॉय करती हूँ मैं, ज़्यादा वो इमेजिनेशन तो है ही, वैसे यूज़ ही होता है, उसके बाद टेक्निक तो हो गया है, मास्टर हो गया है, फिर उसके बाद क्या, बट एज एन आर्टिस्ट हाँ सेटिस्फैक्शन नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि एकदम सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देन और आगे नहीं बढ़ेंगे हम, अगर हम 80 इयर्स के होते हैं या 50 इयर्स के होते हैं,
वी हैव टू थिंक कि व्हाट विल वी डू नेक्स्ट. वो तो होना ही चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए. तो मेरे मन में वो ही है कि चलो नेक्स्ट टाइम आई विल डू समथिंग डिफरेंट. पर बहुत नहीं सोचती हूँ क्योंकि मेरा वर्क ही ऐसा है, थोड़ा इंस्टिंक्टिव इम्पल्सिव है. मैं ऐसे प्लान नहीं करती हूँ मेरा काम, और एब्स्ट्रैक्ट है ही ऐसा कि इतना प्लानिंग नहीं होता है. और मेरे स्टूडियो में बहुत सारा सामान है, तो आप वो स्लाइड भी देखेंगे बाद में, आ जाएगी वो स्लाइड. और बहुत लोग मेरे मुझे विजिट भी करते से, बाप रे इतना सब है आपके स्टूडियो में और आप कैसे काम करते हैं. बट मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे क्लटर अच्छा लगता है. तो इस वजह से अभी इतने साल के बाद मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए. और इतना ही कहना चाहती हूँ कि टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ भी आ जाता है अपने मन में कि अभी तो टाइम आ गया. नो इनसिक्योर, वो एक अच्छा बिल्कुल कैसा कर कॉन्फिडेंस है कि कुछ कर सकती हूँ. बिल्कुल, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, नीता जी, सागर जी, आर्ट इन योर माइंड, ये सारे लोग है ना, वो लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपने कैसे डेवलप किया अपने इस स्टाइल को। और दूसरा, एक मेरा एक मन में प्रश्न था कि जैसे एक रूटीन कितना जरूरी है, हर रोज काम करना, वह कितना समय देना जरूरी है अगर आपको एक एक सही जगह पर आपको जाना है फील्ड में। तो हमेशा कि मैं जब टाइम दूसरा करती हूँ मैं एक्चुअली भी करती हूँ, तो वो उसमें भी बहुत मेरा टाइम जाता है. तो पेंटिंग इज रिलैक्सेशन फॉर मी, तो उस वजह से मैं एक्चुअली एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ जब मैं पेंटिंग करती हूँ. पर मुझे पता है कि हर टाइम पूरा दिन ये पेंटिंग करने में नहीं जाएगा मेरा, और मुझे बहुत कुछ करना है तो मैं करती हूँ. वैसे आई एम क्वाइट क्वाइट अ मल्टी टास्कर, बहुत कुछ करती हूँ एक साथ में. और नहीं, रूटीन तो नहीं है मेरा, कभी नहीं था. वैसे रूटीन था जब मुझे मेरा जॉब था, खटाव मिल्स में जॉब था मेरा टेक्सटाइल का, और मुझे अच्छा नहीं लगता था. एक्चुअली रूटीन एक चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती हूँ. और कि कितने बजे उठना है, कितने बजे स्टूडियो में जाना है, एंड आई थिंक आर्टिस्ट आर लाइक दैट थोड़ा. तो इट्स ओके, अभी ये जो काम देख रहे हैं वो अभी अभी फिनिश किया था. और इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉ, हाँ मेरे ट्रैवल से ज़्यादा वैसे इंस्पिरेशन मुझे मिलता है. और कोविड के टाइम ट्रैवलिंग नहीं, विच इज़ ओके, बिकॉज फिर आर्टिस्ट को बाहर देखने की बजाय अंदर तो नहीं. मुंबई, और उसके लिए भी मैं बहुत कुछ करती हूँ. और कालाघोड़ा फेस्टिवल भी करती हूँ, बहुत लोग मिलते हैं, और वहाँ वो लोगों से भी मुझे इंस्पिरेशन बहुत ही मिलता है. मुंबई के लैंडस्केप जो भी है, स्काई स्क्रेपर्स है, कुछ भी है, पर मुझे अच्छा लगता है. और आई लाइक मीटिंग पीपल, आई ऑल्सो लाइक बिजी लाइफ और क्लटर, और इस वजह से इतने सारे वैसे मेरे काम में लाइफ इज ऑल्सो अचीव करना चाहती हूँ.
ओके कोई बोल रहा है साउंड इज ये जो नॉट है। क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर। एनीवे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज थोड़ी सी वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इस वजह से हमने टाइम तो बहुत सारे लोगों को दे दिया था, बट हम इसको बाद में सेट करेंगे। जहाँ जहाँ से कुछ कुछ चीजें मिसिंग हो रही हैं, हम उसको कोशिश करेंगे ये करने का। और मैम एक्चुअली ट्रेवल के बारे में बात कर रही है, तो नेक्स्ट वीक भी मैम ट्रेवल पे हैं, इसीलिए आज बहुत जल्दी ये सब डिसाइड हुआ। तो हम माफी चाहेंगे अगर आप लोगों को टेक्निकली कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैम एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये वाले इसमें काम में आपको एक काम, जैसे आप एक साथ बहुत सारे काम शुरू करती हैं या फिर एक खत्म होता है फिर दूसरा ऐसे करके शुरू करती हैं? मैं बहुत सारे काम एक्चुअली शुरू करती हूँ और बहुत सारे काम साथ में चलते हैं, इस वजह से कभी मेरा वैसे होता नहीं कि मेरे पास एक बॉडी ऑफ वर्क रेडी है। और जब होता है तो अचानक दो तीन साथ में हो जाते हैं तैयार। और रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज़ आई थिंक पहले तो ऐसे हुआ कि टाइम सेव करने के लिए हुआ, तो बट आई डिस्कवर्ड कि मुझे अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि एक काम करने में मुझे थोड़ा बोर्डम लगता है, तो आई जस्ट स्टार्ट डूइंग अदर वर्क अलोंग साइड। कभी कभी छोटे छोटे पेपर वर्क्स भी साथ साथ में कर लेती हूँ। ये जो काम दिख रहा है वो पेपर वर्क है और इट्स अगेन लेयर्ड वर्क और बहुत कुछ चिपकाया हुआ है, तो मेरे पास बहुत ही मटेरियल रहता है, रेडी मटेरियल रहता है, उसमें से मैं चूज करती हूँ, पिक करती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, बनाती हूँ, और पूरा टाइम मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट में जाता है, आप बोल कह सकते हैं। और साइड बाय साइड कैनवस भी करती हूँ, जैसे ये कैनवस है उसके ऊपर भी चिपकाया हुआ है एक्रेलिक के पीसेस, स्टेंसिल्स के पीसेस, मैं स्टेंसिल बनवाती हूँ, स्टेंसिल मैं कलेक्ट करती हूँ, जो भी दिखा मैं कलेक्ट करती हूँ। और टेक्सचर्ड वर्क है, लेयर्ड वर्क है, और मेन चीज है कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे खुद को एंजॉय करना है अभी मेरा काम। सो ये आई एम सराउंडेड बाय लॉट ऑफ ऑल दिस वर्क और मुझे एंटरटेन होना है, तो इसके लिए मैं करती अच्छा एक चीज है, रंगों को आप कैसे चुनती हैं? रैंडमली चुनती हैं या इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे, अगर हम विलेज में जाते हैं तो एकदम से कलरफुल लाइफ होता है, मेला होता है, ये सारी चीजें भी आप ऑब्जर्व करती हैं या कैसे आपके कलर्स का चुनाव करती हैं? तो कलर्स चुनती हूँ बिकॉज एक तो मुझे अच्छा लगता है कि ये अपना आवर इंडियन लैंडस्केप इज वेरी इंस्पायरिंग, ऑल्सो कलर्स ऑफ इंडिया, द कॉस्ट्यूम्स, द टेक्सटाइल्स, एवरीथिंग इज सो इतना अच्छा लगता है मुझे। कभी मुझे याद है एक बार मैं अफ्रीका में थी, तो रेसिडेंसी में, और उस टाइम पे बहुत सारे ब्राउन वर्क्स किए थे मुझे। और जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो सॉर्ट ऑफ मोव कलर, तो मेरे प्रोफेसर ने पूछा ये मोव कलर क्यों यूज़ किया है, तो आई थिंक इट्स द स्काई, उस टाइम पे वो आकाश का रंग था वो मोव कलर का। बट ऑन द होल यस, बहुत ही हैप्पी कलर्स यूज़ करती हूँ। आई थिंक माई पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट, आई एम ऑलवेज हैप्पी, तो आई लाइक ब्राइट कलर्स, आई लाइक अर्दी इंडियन वॉर्म कलर्स, और एनर्जी हैज़ टू बी गुड। और अगर ये सब कलर्स आसपास होते हैं तो आई फील हैप्पी अबाउट इट, आई फील कि इट्स नाइस, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, तो उस वजह से मैं ये इस टाइप के कलर्स यूज़ करती हूँ। ऑरेंज रस्ट, वॉर्म अर्दी टोन्स, बहुत ही अर्दी टोन्स होते हैं, एंड आई थिंक पहले पहले तो लैंडस्केप की वजह से मैं ये करती थी। तो जैसे इसमें जो फॉर्म्स रिपीटेड होते हैं, कई बार कुछ फॉर्म को आपसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि शायद ये चीज ये हो सकता है, तो वो रैंडमली आते हैं या कभी कभी आप
कोई चीजों का रेफरेंस भी आप ये करती हैं या अनकॉन्शियसली आते हैं? सब कुछ सबकॉन्शियस है वैसे, फॉर्म्स तो वैसे है बेसिक, जैसे स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, वो सब मेरे डिज़ाइन के बैकग्राउंड से आता है, और थोड़ा बैलेंस आ जाता है काम में अगर यू यूज़ दीज फॉर्म्स इन अ बैलेंस्ड वे. तो अभी तो ऑटोमेटिक आ जाता है, अभी सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है, आई मीन सबकॉन्शियस थॉट्स आते हैं उसमें कि से ये भी लैंडस्केप ही कह सकते हैं, वो बोल सकते, यू नो दैट इज़ अ मून इन द बैकग्राउंड. एंड जैसे टेक्सटाइल्स में वॉर्प एंड वेफ्ट होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वो भी आ गया उसमें, टेक्सचर्स भी आ गए इसमें. तो कभी कभी मैं चिपकाती भी हूँ, एक्चुअली टेक्सटाइल भी चिपकाती हूँ मेरे काम में, और बट सटल ऑफ कोर्स, वैसे है फाइन आर्ट, बट लाइक आई सेड थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट भी आ जाता है उसमें. एंड ये भी वैसा ही है, देखो वॉर्म कलर्स है एंड ट्रायंगुलर फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म है, तो आई लाइक दैट बैलेंस, उसमें अच्छा लगता है. जैसे रजा के काम, रजा, आई लव रजाज वर्क, सो आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंस्पायर्ड हूँ रजा के काम से, ये वर्टिकल काम है, इसमें द लाइंस आर मोर ब्लेंडेड और फॉर्म्स आर मोर ब्लेंडेड. जी, को ऐसा होता है कि मेरे ख्याल से हम लोगों की वॉइस क्लैश हो रही है। अच्छा, पूर्वा जी आपको हेलो बोल रही हैं। दूसरा ऐसा होता है कि जैसे शुरू कोई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिससे हम इंस्पायर होते हैं अपने अर्ली स्टेज में, तो ऐसे कोई आर्टिस्ट रहे हैं जिनसे आप इंस्पायर हुई हो, फिर वो धीरे 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 मोल्ड हुआ, फिर आपने आपका एक स्टाइल डेवलप किया? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये है कि वो इंस्पायर होते हैं, उस तरीके से काम शुरू होता है, फिर एक नई जगह बनाते हैं। इंस्पायर तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिसका काम हमें अच्छा लगता है कॉलेज के टाइम से. तो वैसे हम एक्चुअली पॉल की जैसे आर्टिस्ट का काम हमको अच्छा लगता था, बाकी के भी अच्छे नहीं लगते. हाँ बहुत सारे अच्छे भी है, और आई वाज लकी कि एक प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज में, प्रभाकर कोल्टे, बहुत साल उन्होंने किया, और मैंने भी उनके नीचे मैंने पढ़ाई किया, तो आई फेल्ट ही, यू नो पीपल लाइक दैट आल्सो, थोड़ा उन्होंने भी मेरा शेप शेप किया, काइंड ऑफ वर्क दैट आई डू आल्सो. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हु आई मीन इंस्पायर्ड बाय, इंस्पिरेशन तो बहुत सारे आर्टिस्ट है और सबका काम मुझे अच्छा लगता है, पर हाँ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छा लगते अच्छे लगते हैं मुझे. और ये भी कैनवस का काम है, ये सब कैनवस वाले काम है, ये भी देखिए थोड़ा आर्किटेक्चर है उसमें, टेक्सचर्स है. नहीं बिल्कुल, वो आर्किटेक्चरल का जो रेल का वो जो पुराने मिल्स हुआ करते थे, इस तरह के बहुत से फॉर्म आज भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। अगर हम मुंबई में हैं या फिर बड़ौदा में हैं या जहाँ भी टेक्सटाइल का ज्यादा बोला बाला है, तो मेरे ख्याल से जो चीजें हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली जब हम काम करने बैठते हैं वो चीजें आती हैं। हाँ तो क्या ऐसा होता है, आप वो तो मानती है, हैं? हाँ मैं मानती हूँ कि जो भी आप देखते हैं वही आता है अपने काम में. वैसे जो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी अपने यू नो लाइक आई सेड मेरे लाइफ में लेयर्स बहुत है, तो मेरे काम में भी लेयर्स बहुत है. लाइफ में मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो वो भी आ जाता है. हाँ इंस्पिरेशन तो वैसे ही आता है, और आई डोंट प्रिटेंड कि मैं नहीं दिखाती हूँ कि कोई गरीब बेगर का मैंने पेंटिंग बनाया, और हाँ वैसे हैं आर्टिस्ट हु ये सब करते हैं, पर
अलग अलग आर्टिस्ट को अलग अलग इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये मेरा एयरपोर्ट का काम है, लाउंज के बाहर मुंबई में T2, ये बड़ा काम है, काफी बड़ा काम है। मुंबई एयरपोर्ट में भी हमने बहुत काम किया, बहुत ही काम किया। ओके, वहां तो बहुत काम हुआ है एक्चुअली। उसकी रेकी के लिए हम लोग जरूर आए थे, बट उस समय मैं पढ़ रहा था तो फिर आगे कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। ये भी एक काम है के बाहर, ये सुनील पडवल के साथ कोलैब और ओके, तो थोड़ा बहुत पसंद ये अलग फंड रेजर था, तो ये एलिफेंट पेंट हुआ था। 100 एलिफेंट्स थे, 100 के 200 ऐसा कुछ था। शालिनी लोग। अच्छा, हम जैसे जानना चाहेंगे कि जो नए स्टूडेंट हैं और जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेयर टू ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम, अचीव योर ड्रीम, और मेक प्लीज एक्सपोज योर सेल्फ। सब देख लो, ये देखो ये मेरा स्टूडियो है, तो एंजॉय योर सेल्फ, ट्राई एंड यू नो थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी एन आर्टिस्ट। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज से निकले और यू नो यू रेज योर प्राइस टू सम रिडिक्यूलस अमाउंट। ट्राई एंड सी, गो विजिट म्यूजियम्स और गो एंड विजिट ऑल दी आर्ट गैलरीज, जस्ट सी वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड एंड मूव विद द टाइम्स। बट मेनली येस, डेयर टू ड्रीम एंड फॉलो योर ड्रीम। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जो एक समय से हर चीजें सबको प्राप्त होती हैं, और धीरे धीरे काम करते रहेंगे और अपने काम पर एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो मैम, आपका स्टूडियो बहुत खूबसूरत है। और मैं ये फ्लोर पे काम करती हूँ, डीजल पे काम और अंत करती में हम जानना चाहेंगे, ओके ओके, और इस चैनल के लिए क्या रिव्यू है वो भी हम जानना चाहेंगे। हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गोविंद, एक्चुअली इट्स कोई और नहीं कर रहा है ये, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। आई होप कि आप आगे बढ़े और भी बहुत सारा इंटरव्यूज करें। और मैंने अभी अभी ही चैनल देखा आपका, और अभी अभी और सब आर्टिस्ट को मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब करो ये चैनल पे और देखो कि क्या हो रहा है आर्ट वर्ल्ड में, एंड इट्स रियली नाइस कि ये कर रहे हैं आप। बिल्कुल, और हम आपसे ये भी चाहेंगे कि आप भी कुछ लोगों के नाम जरूर सजेस्ट कीजिएगा जिनसे बातचीत कर सकें। और ये मेरा एक रूटीन है, जिनसे भी बात होती है लिंक टू लिंक ऐसे ही बात होती जाती है। तो अच्छा है, एक इन फ्यूचर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे लोग हैं जो इस फील्ड में देखेंगे, वो लोगों के पास एक डिजिटल डाटा मिलेगा, और वो भी हिंदी में, क्योंकि ऐसे बहुत से छोटे छोटे कॉलेजेस हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से इंग्लिश लोग नहीं समझते, स्टूडेंट नहीं समझते हैं। तो मैं भी ऐसे ही एक जगह से आया था जहाँ पे शुरू में इंग्लिश का कोई ऐसा ये नहीं था, वो तो एमएस में आने के बाद थोड़ा बहुत सारा कुछ ऐसा इम्प्रूव हुआ, तो वो होता है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल हिंदी में शुरू किया था ताकि 99% लोग इंडिया में तो समझ ही लें इस चीज को। फिर भी मैं एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि आप हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा होता है वैसे। एंड ये एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरी है आपने जो आर्काइविंग करेंगे ये प्रोग्राम का, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच मैम, इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना सारा समय निकाला।
और दर्शकों को बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सारा सुना, बातचीत मन लगाकर। और मैं ये चाहूंगा कि कमेंट्स के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा बातचीत, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट ने क्या है वो खुद ही जानता है। तो इन बात के माध्यम से लोग ये जरूर जान पाएंगे कि आर्टिस्ट ने क्या किया है, वो अवेयरनेस जरूर होगी। तो इस आज की बहन बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।